तो जी सभी दोस्तों को नमस्कार, जिनका भी हैप्पी बर्थडे है उन्हें बधाई हो। जो चिट्ठी बंटवाई ही वो आज दावत है। ये जी चलना है हम बिल्कुल बीच नूरपुर में। काली गाड़ी का कोई तोड़ ना है स्कॉर्पियो का। जो रोड प्रेजेंस है इसकी वो सबसे ज़बरदस्त है। इसके सामने तो मतलब ऐसा मेरा नज़रिया है, ओडी भी अगर एक बार वो खड़ी कर दी तो उसे भी फेल कर देगी अगर गाड़ी मॉडिफाई है थोड़ी सी भी स्कॉर्पियो तो। जो परसों मैंने गाड़ी धुली ही अपनी अपने हाथ से ही, अपने हाथ की धुली हुई गाड़ी चलाने का आनंद ही कुछ अलग हुआ है और बड़ी सावधानी चला हुआ है। आज भी कोई पता रहे ना कितनी मेहनत लगी है साफ करने में। जी चांदपुर में लग रहा है जाम, या रेलवे क्रॉसिंग आ गए, पता ना कितना टाइम लगेगा इसमें। हम जी गोरा गार्डन। तो जी थोड़े से काम के लिए जरा शेखुपुरा जा रहा हूँ, बुआ जी के यहाँ छोटा सा काम आ गया जरा। क्योंकि दावत है बैंक्वेट हॉल में, घर कुछ लोग पहुंच गए हैं मेहमान, तो उन्हें जरा लेके आया हूँ। यो जी इधर को है बड़ा फेमस मंदिर है यहाँ का। सब सड़कें जो आरसीसी पक्की सड़क ही सब तोड़ दी। हमारे गांव में भी वही आलम है, यहाँ भी वही आलम है। एक एक साथ दो दो टीम काम कर रही है। ये माइक वाले भी हाजिर हो गए तुरंत, और ये छोटे हाथी भाई वाले भी चाहे लेट ही रहे हैं। लेट हो गए तुम्हें तुम्हें शाम को उतारना चाहिए केविल से भी। अब तुमने बीच काम में आके विघन कर दिया, काम बढ़ा दिया तुमने। बैंक्वेट हॉल की सहूलियत तो रहबा है, लेकिन ये छोटे छोटे नुकसान है, जैसे रौनक ना रहती है घर पर। लेकिन अब कहाँ से लावा आदमी इतने, यहाँ का देखभाल बड़ी रहती, जगह है नहीं हम गाँव में। देखो बैंक्वेट हॉल में कोई भी कार्य करने का नुकसान, जहाँ यहाँ चैचे पैपे हो रही होती अगर यहाँ होता तो यहाँ सब में चैचे पू पू हो रही होती, डीजे सीजे बज रहा होता, तमाम मेहमान होते इधर उधर। लेकिन अब तो पूरा मोहल्ला ही सुनसान है, आदमी ना मिल जाए दूर दूर तक का देखने को। सब गए होंगे दावत में खाने, गए होंगे क्या, गए हैं तो जी यहाँ का काम निपटवा के अब हम चल दिए वापसी बैंक्वेट हॉल पे। मिले कुछ रिश्तेदार जो रह गए मिल लेते हैं, उनसे भी मिल लूँ, राम राम श्याम श्याम हो जाएगी। अब कही है तो बिजनौर की भी हमारे जैसी निकल नहीं है। वैसे जो कह रहे हैं कि साहब बिजनौर की बहुत तगड़ी निकले हैं, तो आपका तो भैया बराबर ही है लगभग लगभग। हाँ बीघे में क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया है, 20-20 का हो गया है बीघा इनका, तो इसलिए ज़्यादा निकला है वैसे करना क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन जो देखने में हाइट वाइट तो आपका तो समान नहीं है, बराबर ही हमारे ही। ये है जी इनके गांव से बाहर बाहर जाने का रास्ता, लेकिन अभी नई नई आरसीसी पड़ी है तो ये बंद कर रखा है। अब आगे से निकलना पड़ेगा तंग जगह में से। लो जी स्कूल की छुट्टी हुई है किसी की, अब हम वापसी लौट के आ गए हैं बैंक्वेट हॉल पे। अच्छी बात यह है कि दूल्हा तो अभी घर ही है, तैयार हो रहा है वो, तो ये मेहमान जा नहीं सकते अभी कोई भी। कभी कोई सोचा कि साहब निकल रहे हम तो जा नहीं सकते अभी। अब गाड़ी लगा दें,
अंदर लगाएंगे अब वीआईपी सेक्शन में। अरे किधर भी खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत ना हो उसमें, हाइट तो वैसी ही रहनी है। सामने देखिए, दूल्हा अचानक बातों में लग गया भला आदमी। ये है जी मेन दूल्हा हमारा भूपेर। तो जी अब हो गई है तैयारी घर को निकलने की। तो जी आज की दावत हुई कंप्लीट, अब सब चल दिए अपने अपने पुराने रूटीन पे। अब हम भी पहुंचे जरा घर, शाम की बज गए। चौराहे पे इस गंगा देवी स्कूल में कोई पेपर दिखे या बेरोजगारियों का रोजगार देने के लिए, तो बेचारे निकलने हैं पेपर दे दे के। सरकार कम बात हो रही ना इनसे, ले और ले भाई फार्म वारम के नाम पे और तमाम ताम झाम के नाम पे। तो शाम के बज गए हैं जी 6:15। आज के ब्लॉग की करते हैं हम यही समाप्ति। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।